राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की तर्ज पर होती है नगर निगम परिषद की कार्यवाही। वर्ष 18-19 के बजट में 36 लाख का घाटा पेश किया नगर निगम परिषद के वित्त मंत्री नीरज पटेल ने। सिरमौर चौराहा स्थित सभागार में निर्वाचित 5वीं परिषद का 4था बजट वित्त विभाग के प्रमुख नीरज पटेल ने वर्ष 2018-19 के लिए 5,10,60,00,000 रुपए, 97,000 के खर्च व 4,76,62,49,000 के आय का बजट पेश किया। इस तरह से बजट वर्ष 18-19 में लगभग 36 लाख का घाटा दर्शाया गया है। आइए जानते हैं नीरज पटेल से वो इस घाटे की भरपाई कैसे करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर के हित के लिए जो इस बार बजट आया है उसमें पिछले वर्ष जो हमने समावेश किया था सड़क, नाली, बिजली, पानी, अन्य मदों में 19 करोड़ का प्रावधान था, इस बार हमने जस्ट डबल किया है। मतलब जो सुविधाएं हम 19 करोड़ में देने वाले थे वही सुविधाएं हम 35 करोड़ में देंगे। मतलब जितना विकास कर हमने अगली बार किया था उससे दोगुना ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और जनता के हित के लिए हमने नगर निगम के घाटे को भी नहीं देखा और इस बार नगर निगम का घाटा जो है लगभग विकास कार्य को लेकर 33 करोड़ रुपये से ज़्यादा का। और विपक्ष इसमें बहुत सारी बातें करेगा, हम मीडिया से आग्रह करते हैं आप 4था आधार स्तंभ में जो बजट की सकारात्मक बातें हैं सभी प्रतियां आपको उपलब्ध करा दी गई होंगी, आप उसका अध्ययन करें। तब नगरी निकाय के बजट में आम आदमी को अपनी मूलभूत जरूरतों की दरकार होती है, वह चाहता है उसे सड़क, प्रकाश, पेयजल, नाली जैसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाओं को नगर निगम पूरा करे। कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा बाबा इस बजट पर अपनी काफी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वित्त के प्रभावी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उस पे जितनी भी योजनाएं उन्होंने बताई, कुछ योजनाएं तो पिछले 3 बजटों से चली आ रही, जैसे उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वो चली आ रही है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सीवरेज के बारे में बताया, प्रधानमंत्री आवास के बारे में बताया, जो भी उन्होंने बातें की जो प्रस्तुत किया उससे निगम के लिए वित्तीय भार के सिवाय कुछ नहीं। खुदकों से फाइनेंस योजनाएं हैं और अभी हमारे यहाँ कुछ जो पुरानी योजनाएं थी 3 साल हो गया तो इंटरेस्ट विद ब्याज लगभग 27-28 लाख रुपए हर तिमाही नगर निगम के मद से जा रहा है। अगर इस तरह की योजनाएं जो कर्ज पे हैं उनको ये अपनी पढ़ाई पे जोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने रीवा के विकास के समुचित विकास के लिए इतनी इतनी योजनाएं लाई, तो ये नगर निगम के लिए बहुत घाटे का सौदा है। नीरज पटेल के बजट में प्रथम नज़र में सब कुछ बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। बजट में वो तमाम पहलू नजर आ रहे हैं जो पहली नज़र में देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बजट के क्रियान्वयन के बाद आम आदमी की सड़क, बिजली, पानी की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद गोविंद मिश्रा इस बजट के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप सबको मालूम है कि भारत देश में जो वर्तमान बजटीय व्यवस्था है उसको और तेज करने का प्रयास किया गया है। पहले बजट जो मार्च में चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे प्रदेश सरकार के हो मार्च में प्रस्तुत होते थे, अब वो भी फरवरी में प्रस्तुत होने लगे और नगर निगम की स्थापना के बाद ये पहला वित्तीय वर्ष है जिसमें साल के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के अंतिम आवर में मैंने 2 बजे बजट प्रस्तुत किया गया है, तो प्रथम दृष्टिया यह ही अपने आप में अक्षम्य गलती है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन्होंने जो बजट में दिया है वह केवल कोरी कल्पनाओं पर आधारित है, वास्तविकता से ये हजारों किलोमीटर दूर की बातें हैं। जो हमारे वित्त प्रभारी जी ने जो बातें अपने, क्योंकि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है इसलिए मैं इसमें बहुत विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहूँगा। नीरज इस बजट में सिटी बस ट्रांसपोर्ट योजना, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रॉम ड्रेन, वाटर, मुख्यमंत्री पेयजल योजना एवं अमृत पेयजल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना सहित अनेक योजनाओं पर काम करने की बात कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा इसे एक साजिश के तहत पेश किया बजट बता रहे हैं। इस बार का 18-19 का जो वित्तीय बजट है वो उसी तरह है जिस तरह व्यापारी पुराने माल को नए पैकिंग में डाल के और नई स्लिप लगा कर भेजता है, उसी तरह इस बार का बजट है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो 31 मार्च को प्रस्तुत किया। हमारे नियम में ये है
कि अगर 31 मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगे हम तो वह चर्चा का विषय नहीं हो पाएगा, उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी, हमारे सम्मानित पार्षद उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर 15 फरवरी के पहले इन्होंने बजट प्रस्तुत किया होता तो हम उस पर चर्चा करते और चर्चा के उपरांत जो यहाँ से हमारे सम्मानित पार्षद अपना अपना संशोधन देते वह MIC में जाता और MIC उसे अंगीकृत करती या न करती उसका विवेक है और वो राज्य शासन को भेजा जाता। तो जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो साजिश के तहत प्रस्तुत हुआ है और इस पर ये समझ में आ गया है उनको कि अगर हम पहले प्रस्तुत करेंगे तो हमारे सम्मानित पार्षद उस बजट की प्रक्रिया पे खिंचाई करेंगे। अभी बजट आया है, इस पर बहस होगी, फिर इसे लागू किया जाएगा। से नगर रीवा शहर का बजट प्रस्तुत होना है, जो कि रीवा शहर को किस प्रकार हमको विकसित करना है, पार्षदों की सहमत से किस प्रकार बजट रखा जाए, आज बजट प्रस्तुत होगा और जब सदन चाहेगी उसमें बहस होगी। हम आपको बता दें, बजट पेश करने का अपना एक तरीका होता है, फिर चाहे वह देश का, प्रदेश का, शहर का बजट हो। आइए जानते हैं नगर निगम की महापौर से क्या है परिषद की कार्यवाही का तरीका। लोकतंत्र है और संसद और विधानसभा का स्वरूप बड़ा है और नगर की परिषद का विधान स्वरूप छोटा है, किंतु लगभग प्रक्रिया का उसी तरह चलती है। पक्ष और विपक्ष, पक्ष नीतियों का निर्धारण करते हैं और विपक्ष उन नीतियों की समीक्षा करते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल हमारे यहाँ होता है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा 31 तारीख को परिषद सम्मेलन है, इसमें प्रमुख रूप से हम नगर सरकार रीवा के 2018-19 के बजट को पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं बजट के दौरान परिषद की कार्यवाही की झलकियाँ। उसका पूरा भुगतान होते होते उस भूखंड को, उस इमारत को इको पैटर्न पार्क के लिए दे दिया गया कि इससे पर्यटक का विकास होगा। तत्कालीन महापौर शिवेंद्र सिंह, उनकी MIC ने इसे प्रस्तावित पास किया और परिषद की बैठक में यह भी उन्होंने बोला कि अगर नगर निगम चाहता तो उसे बनाता तो भी आय होती। तैयार हो तो मैं कमिश्नर साहब को कह देता हूँ, उसको बतवा देंगे पूरे तरीके से क्या होगा। गोविंद जी क्या कह रहे हैं आप, मैंने अगर सदन तैयार हो धन्यवाद। इसमें ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ कि अलीडी का जो प्रोजेक्ट है तो ये भारत सरकार का उपक्रम है, ESL, उसके द्वारा इसको संपादित कराए जाने की परियोजना हम लोग लेके आए थे। इसमें जो अपफ्रंट कॉस्ट होगा इसको करने का एलईडी का, वो पूरा ESL कंपनी के द्वारा खुद उठाया वहन किया जाएगा। ढेर सारी प्रतिमाएं लगती हैं लेकिन महाराजा मार्टन सिंह के लिए शायद नगर निगम में हमारे पैसा नहीं है, ऐसा हमको मालूम हो रहा है। तो यह है कि महाराजा मार्टन सिंह की प्रतिमा लगाई जाए, हम लोग का सबका दायित्व है, सभी पार्षद सब मिल के इसलिए इसके लिए सहयोग करें। जय हिंद। साथियों, नगर पालिक निगम रीवा के निर्वाचित 5वीं परिषद का यह चतुर्थ बजट जो मरीन काउंसिल के बैठक दिनांक 21 मार्च 2018 में पारित संकल्प प्रमाण 10 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित आय और व्यय स्वीकृत प्रस्तुत। इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4,76,62,49,000 आय, 5,10,60,97,000 व्यय का प्रस्ताव मैरिन काउंसिल ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। पूरे पार्षद अंदर आप बाहर, यह तो अपना अपना विवेक है। पिछले 13 वर्षों से रीवा नगर पालिक निगम रीवा में जो सबसे बड़ी कमेटी होती है लेखा समेत, उसका गठन नहीं हुआ। मैं भी 3 वर्ष से पार्षद हूँ, मेरी आत्मा भी झकझोर रही थी। लगातार 100
लगातार 100 से ज़्यादा पत्र मैंने कमिश्नर को लिखे कि लेखा समिति गठन हो जाए, इसके बावजूद लेखा समिति गठन नहीं होना, तो मैंने तो पूर्व निर्धारित किया था कि यदि अब गठित नहीं होगी तो महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते, उपवास के रास्ते में आज जब परिषद अंदर चलेगी तो मैं बाहर बैठूंगा। सारे पार्षद अंदर क्यों बैठे हैं ये उनका स्वविवेक है। मेरा आत्मा ये कहती है कि मैं रीवा की जनता की पाई पाई के हिसाब के लिए लेखा समिति जब तक नहीं बनेगी, जब परिषद होगी तो मैं यहाँ पर उपवास में बैठूंगा।